हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव। जल्दी सभी बच्चे आ जाएंगे, केडी लाइव के साथ जुड़ेंगे और अपनी साइंस की क्लास लेंगे। फटाफट आ जाओ, शेयर लाइक जरूर कर देंगे सारे बच्चे एक बार जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए। देखिए बच्चों, तो आप सब जानते हैं कि हमारा एग्जाम बिल्कुल आने वाला है और हम उसी की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए। रोज में जितना हो सकता है, जैसा मुझे क्वेश्चंस लगता है कि भाई ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, जो मतलब आता ही है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस का एक आपका प्रैक्टिस सेट आज लगाया है। और कल भी मैं जो है आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन पहले आज की बात करते हैं बच्चों। तो देखो, आज आपकी जो साइंस की क्लास है, आज हम प्रैक्टिस सेट ही करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जल्दी से क्लास को ज्वाइन करना है और जितने बच्चे आते जाएंगे लाइक करते जाएंगे भाई, लाइक और शेयर के साथ बताएंगे यस मैम हम आ चुके हैं, आप जो है क्लास स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी से आएंगे, यस ओके। तो आज की क्लास मैं शुरू करना चाहूंगी अभिषेक से। अभिषेक कुमार मैम जी नमस्ते। नमस्ते अभिषेक, कैसे हैं? माया शंकर हैं, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग माया शंकर। सब कुछ ठीक ठाक जीवन में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए, सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, राखी की तैयारियां भी चल रही होगी। सब भाई अपनी जो सिस्टर हैं, ठीक है, अच्छा गिफ्ट करेंगे उनको। 10 रुपए की चॉकलेट में काम नहीं चलाना है, ठीक है, कोई सब यहाँ कंजूसी नहीं करेगा। चलिए, उसके बाद में कौन है जल्दी से? ठीक है, और जल्दी जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, जितने भी अपने रेगुलर बच्चे हैं, 1 से 2 मिनट उनका वेट किया जाएगा, उसके बाद हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद, ओके। चलिए, मनीषा कह रहे हैं हेलो मिस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? दीपक वर्मा कह रहे हैं बिल्कुल मैम, जो है 10 से हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 20 वाली चॉकलेट दे देंगे। चलिए ठीक है, ओके। तो चलो भाई, मुझे लगता है कि बच्चे आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। देखो, नोटिफिकेशन नहीं जाती तो बच्चे धीरे धीरे ही आते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आते जाओ, ठीक है। तो मैं क्लास शुरू करती हूँ, क्योंकि भाई हम अपने पास 1 घंटे ही होते हैं, ठीक है, तुम्हारा इतना वेट तो हम नहीं करेंगे। चलो आज, तो देखो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है ध्यान से देखेंगे। आपसे कहा जा रहा है, स्पेस डाटा स्टार्टअप पिक्सल ने किसकी मदद से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? विथ हूज हेल्प डिड स्पेस डाटा स्टार्टअप पिक्सल लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट? आपसे कहा जा रहा है कि स्पेस डाटा स्टार्टअप पिक्सल ने किसकी मदद से अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया? नासा अगर हम बात करें तो अमेरिका, स्पेसएक्स प्राइवेट, इसरो आपका भारत, और जाक्सा अगर हम बात करें तो जापान, ठीक है। तो चारों चारों ऑप्शन में आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है फटाफट बताएंगे, देखिए, ठीक है। चलिए, ऐसे अगर ऐसा क्वेश्चन कोई बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ, उसने अच्छे से तैयारी की है, वो हर हर तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहा, किसी एक डायरेक्शन में नहीं भाग रहा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि आपकी नजर हर एक डायरेक्शन में है, आप हर एक पोर्शन को कवर कर रहे हैं। चलिए जल्दी से, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम नासा, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसरो। देखो होता क्या है कि ज्यादा सैटेलाइट वगैरह जो है नासा ने ही ज्यादा कामयाबी पाई है, तो बच्चे अपना जो अपना मुझे जहां तक लग रहा है, जो तुम तुक्का लगा रहे हो, इस हिसाब से लगा रहे हो कि ज्यादा काम तो नासा ने किया, तो कहीं ना कहीं ये काम भी इसने किया जो यहाँ तुक्का लगा रहे हैं। तो मैं पहले बता दूं बच्चों, यहाँ आपका स्पेस एक्स आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, ठीक है, स्पेस एक्स आपका प्राइवेट बिल्कुल सही आंसर जाएगा। अगर हम बात करें तो स्पेस एक्स जो है किसका है, तो आपको याद रखना है स्पेस एक्स एंड अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी फाउंडेड इन 2002 बाय एलन मस्क। किसकी है ये? एलन मस्क की है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसका है ये? तो एलन मस्क जी का है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, जय हिंद भाई, बच्चा तब से जय हिंद, अब क्या कर रहे हो, तिरंगा लाके ही फहरा दूं, पहले पढ़ाऊं बाद में, ठीक है, आ जाओ। अब अगर हम बात करें मलेरिया डिजीज अफेक्ट्स, जल्दी से बताएंगे मलेरिया रोग प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है जल्दी से? चलिए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बताइए। जो मलेरिया डिसीज है, पहली बात तो आप सब जानते हैं, एक प्रोटोजोनल डिसीज है। कहने का मतलब किससे होता है बच्चों? प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है, इतनी बात तो जानते हो, किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों, जो प्रोटोजोआ से होता है, तो कौन से मच्छर से? तो आप सब जानते हैं एनोफ्लीज मॉस्किटो से। लेकिन अगर आपको मलेरिया हो जाता है तो आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका स्प्लीन, आपका किडनी क्या यहाँ पर बेकार हो जाएगा? तो विक्रम का आंसर आया हार्ट, चलिए ठीक है।
अंजलि का आया है ए ऑप्शन, ठीक है सी। मनीषा बस हंसे जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी है ना, ठीक है। उसके बाद में अभिषेक चौरसिया जी सी के साथ हैं, रोमी जी भी हार्ट के साथ जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, किसी के पीछे मत भागो। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो थ्योरी वाली क्लास है ना, थ्योरी वाली क्लास तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि वहां तुम्हें तुक्का लगाने को नहीं मिलता, बस सुनने को होता है। तो देखो तुम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो बच्चों, मैं बता दूं ये क्या, अगर मैं तुम्हें 3000 क्वेश्चन भी करवा दूं ना, कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपना थ्योरी या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है ना, तो मैं 3000 क्वेश्चन भी तुम्हें करवा दूं, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो थ्योरी वाली क्लास है वो लो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। कोई टॉपिक में कुछ दिक्कत आ रहा किसी चैप्टर में वो बताओ, हम फिर से करवाएंगे। लेकिन बच्चों पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो आपका मलेरिया है, ठीक है, ये आपका स्प्लीन, हाँ तिल्ली, जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम प्लीहा भी करते हैं बच्चों, इसे डैमेज करेगा। अगर किसी को बहुत हाई पे अगर मलेरिया फैल चुका है, बिल्कुल बच्चों ये नहीं आएगा ये, तो उसका जो स्प्लीन है, ठीक है, जहां पर आरबीसी जाके क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्प्लीन को ही ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, ये फट जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये फट जाता है। और बच्चों अगर स्प्लीन में दिक्कत आ गई, यानी आरबीसी में दिक्कत, आरबीसी में दिक्कत यानी ब्लड में, और एक बार अगर तुम्हारे ब्लड में दिक्कत आ गई, तो तुम्हारा हार्ट हो, तुम्हारा लंग्स हो, तुम्हारी किडनी हो, सारा ही खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ध्वनि तरंग के माध्यम से किस दर से यात्रा करती है। सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट रेट डज साउंड ट्रेवल थ्रू अ वेव। आपसे कहा जा रहा है कि जो साउंड वेव है, ठीक है, जो साउंड वेव है बच्चों, जो आपकी क्या है, जो आपकी साउंड वेव है, ये कौन से, कैसे, ये क्या करती है, कैसे ये जो है ट्रेवल कर रही है, ठीक है। देखो हमने क्या, जनरली हमने देखो यही सुना हुआ है, 332 मीटर पर सेकेंड, हमने यही रट्टा मारा है, आप जानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो मीटर पर सेकंड में आया ही नहीं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो है मीटर पर सेकंड में आया ही नहीं है, यहाँ जो है आपका मील है, यार्ड है, फीट है, या आपका मील पर सेकंड है, क्या आंसर सही आएगा। चलिए जल्दी से 550, ओके, 342 मीटर पर सेकेंड। चलिए अपना आंसर सारे बच्चे दे रहे हैं, ठीक है, आपने सही सुना है। लेकिन अगर फीट में पूछा है बच्चों, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर सही आंसर देखो तो जो सबसे सटीक और सबसे सही आंसर आपका 1100 फीट पर सेकंड, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आप गलत करके आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आप गलत करके आएंगे। चलो भाई अब अगर हम बात करें, आगे आइए, आपसे कहा जा रहा है हवाई जहाज में फाउंटेन से स्याही निकलती है क्योंकि, बताओ ये बताइए, अगर हवाई जहाज है, ठीक है, वहां पर फाउंटेन पेन से स्याही निकलने लगती है तो उसका कारण क्या है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि हो जाती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, या इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। बताओ भाई अगर हवाई जहाज में ऊंचाई पर जाते हैं तो जो फाउंटेन पेन की स्याही है वो अपने आप निकलने लगेगी, इसके पीछे रीजन पूछा गया है आपसे, यस। जल्दी से बताएंगे कि अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो फाउंटेन पेन से स्याही निकलने लगती है, उसके पीछे रीजन पूछा गया है, बताइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही से, हाँ। अगर देखो जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा ना, वो तो समझ लो उसके लिए जो बैच में क्लास है वो लेना जो है बहुत जरूरी है। बच्चे आप ये सोचते हो मैं यहाँ पे आपको सब चीज एक्सप्लेन करूं, तो ये देखो पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको 5 क्वेश्चन ही करवा पाऊंगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं आप कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन 1 घंटे में प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना थ्योरी जो है क्या करना होगा, तैयार करके रखना होगा, ठीक है। अगर मैं कोई क्वेश्चन डीएनए से लेके आती हूँ, तो अगर मुझे यहाँ आपको डीएनए की फुल फॉर्म भी बतानी पड़े, ठीक है, कि भाई इसकी जो फुल फॉर्म है डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो कोई फायदा नहीं है, ये आप पढ़ के आइए तभी आप कुछ कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ यस बच्चों, जब आप क्या करते हैं ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। अब जल्दी से बताओ अगर फाउंटेन पेन की बात हो रही है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, जल्दी बताओ फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किसने फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही है ए ऑप्शन,
बताओ फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, कोई मुझे बता सकता है? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, कोई मुझे बताएगा? कोई होशियार बालक यहाँ पे? ठीक है, आ जाइए। तो बच्चों याद रखना, देखो मैंने फाउंटेन, फाउंटेन जो होता है ठीक है, फाउंटेन से वॉटरफॉल होता है, और मैंने ऐसे याद कराया था वॉटरमेलन कि इसके भाई वॉटरमेलन नहीं आएगा, सॉरी वॉटरमैन, ठीक है, वॉटरमेलन तो आपका तरबूज हो जाएगा, वॉटरमैन, ठीक है, वॉटरमैन इनका जो क्या थे, जो आप इन इसके साइंटिस्ट थे वो क्या थे? वॉटरमैन, ठीक है, वॉटरमैन आपका सही आंसर है, वॉटरमैन यहाँ पे ठीक आंसर आ जाएगा। चलिए आज कहा जा रहा है, इनमें से किसने भारत के शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य होने का गौरव प्राप्त किया है? बताओ भाई, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है टॉप वेजिटेबल प्रोडक्सिंग स्टेट ऑफ इंडिया, बताओ कौन सा है जो सब्जी सबसे ज्यादा क्या करेगा, उससे सब्जी को सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, बताइए, यूपी में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, या आपका एमपी, मध्य प्रदेश में, कहां पर बच्चों सबसे सब्जी के लिए कहां पे है? टॉप स्टेट पे है, ठीक है, यानी आपका जो है सबसे ऊपर स्थान लिया है, ठीक है, सब्जी के लिए, यूपी, 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 चलिए यूपी आंसर आ रहा है, जय का सभी का यूपी आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल बच्चों यहाँ पर आपका यूपी आंसर सही है, यूपी आपने याद रखना, एक तो आपका सब्जी हो गया, ठीक है, सब्जी हो गई, सब्जी के लिए टॉप स्टेट पे है, और अगर शुगर केन की बात कर लेगा, ठीक है, गन्ने की बात कर लेगा तो भी आपको याद रखना है, ठीक है, गन्ना, और किस लिए बच्चों? गेहूं, व्हीट, गेहूं के लिए भी ये है, ठीक है, परसेंटेज देखा जाए तो आपका पंजाब है, लेकिन ऐसे देखा जाएगा तो गेहूं के लिए भी आपका यूपी आएगा। मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन में भी आपको याद रखना है कि टॉप स्टेट पे आपका यूपी ही है, ठीक है। वेस्ट बंगाल किस लिए है, तो याद रखना चावल के लिए, ठीक है, चावल के लिए आपका वेस्ट बंगाल है, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करें मैम, राजस्थान किसके लिए है? तिलहन, जो तिलहन होता है बच्चों, ठीक है, जो आपका तिलहन होता है इसके लिए, या आपका मार्बल के लिए, इन दोनों के लिए टॉप स्टेट पे आपका कौन सा है? आपका राजस्थान है। अगर बात करें मध्य प्रदेश किसके लिए? दलहन के लिए, ठीक है, जो दाल, दलहन, ठीक है, दलहन के लिए कौन है? दलहन के लिए आपका मध्य प्रदेश है। डन, सभी का याद रखेंगे, यूपी आपका सब्जी, शुगर केन, गेहूं, मिल्क प्रोडक्शन में टॉप है आपका यूपी, वेस्ट बंगाल आपका चावल, राजस्थान आपका तिलहन हो गया, मार्बल हो गया, और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश आपका दलहन हो जाएगा, ठीक है, डन, सभी का लिख लेंगे। हाँ, मार्बल के लिए आपका राजस्थान, यस। चलिए आ जाइए, ठीक है दीपक, आओ। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? देखो ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे, आपको देख के लग रहा होगा हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोहिनीअट्टम डांस है, नृत्य है, वो इसमें से कौन से स्टेट के लिए है? बताइए जल्दी से, ठीक है, कौन से स्टेट से रिलेट करता है आपका? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट, यस, जल्दी से, और लाइक भी करते चलेंगे साथ साथ, ठीक है, फटाफट सभी बच्चे क्या करेंगे? लाइक शेयर भी करते चलेंगे, जल्दी जल्दी। हाँ जी, ओके, चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी, एक से दो क्वेश्चन डले हुए हैं, ठीक है, एक से दो क्वेश्चन आ गए थे तो मैंने ऐसे ही डलवा दिया है पीपीटी में। चलो केरला, बिल्कुल यहाँ पर आपका केरला सही आंसर है, आ जाओ। हाँ जी, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, जल्दी से बताएंगे कि आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, तो क्या पीरियोडिक टेबल आप बच्चों हमेशा, जब पीरियोडिक टेबल बननी शुरू हुई थी तब भी आपके पास क्या 118 तत्व ही रहे होंगे? नहीं, सबसे पहले आपके पास बस 21 21 21 तत्व थे, तब आपके जो है किसने, अगर हम बात करें तो डोबे राइनर ने काम किया था, ठीक है, फिर कुछ बढ़े तो आपके न्यूलैंड जी आ गए, फिर जब आपके 67 लगभग हो गए थे तब आए थे आपके मेंडलीव जी, ठीक है, तो सबने अपनी अपनी क्या की थी, एक एक जो है अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, लेकिन सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल किसकी है? तो जो मोजले, ठीक है, जो मोजले ने बनाई है, ठीक है, या जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसकी है? मोजले की है, तो आपसे पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर आधारित है, ठीक, तो देखो बच्चों सबसे पहले डोबे राइनर ने पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक, फिर न्यूलैंड ने बनाया, फिर किसने बनाया? फिर मेंडलीव ने बनाया,
लेकिन इन दोनों का जो है सक्सेस, इन तीनों का सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने जो है अपना काम किया था एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है। इन्होंने अपना जो बनाया था किसके ऊपर बनाया था, एटॉमिक मास या परमाणु भार के ऊपर अपना क्या बनाया था, पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो जब मुजले ने आया ना, उन्होंने सबकी पीरियोडिक टेबल उठाई, ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ा सा चीजों को देखा और उन्होंने समझने की कोशिश की कि भाई इनकी पीरियोडिक टेबल बार बार फ्लॉप क्यों जा रही है, क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि जितने भी साइंटिस्ट आ रहे किसी की भी पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तब उन्हें उन्होंने पता चला कि भाई सब अपना जो पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं वो एटॉमिक वेट के ऊपर बना रहे हैं और दिक्कत भी इसी को लेके आ रही है। तो इन्होंने गलत किया और इन्होंने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके लिए बना दी, एटॉमिक नंबर के आधार पर, ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर बना दी। तो जितने बच्चों का आंसर सी है, यस यस बिल्कुल ठीक आंसर है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाएगा कि मॉडर्न, ठीक है। देखो अगर पूछे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तब तो मेंडलीव आएगा, ठीक, लेकिन अगर पूछे फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तब आंसर आएगा आपका मोजले। ओके, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन, जितने बच्चे सी के साथ गए हैं सभी का सही है। नेक्स्ट बताइए, देखो इतने सारे ऑप्शन मैम आपके लिए क्यों लेके आई, जनरली आपको एग्जाम में चार ऑप्शन ही मिलेगा, लेकिन यहाँ छह ऑप्शन है कि मैं आपको छह इंस्ट्रूमेंट के साथ का जो है आपका क्वेश्चन करवा के जाऊं। क्वेश्चन देखने में एक लग रहा है लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें छह क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि गहराई हम किससे मेजर करते हैं, समुद्र की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो हम किससे मेजर करेंगे, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर, फैदोमीटर, अल्टीमीटर या आपका स्पाइग्नोमीटर। हाँ जी आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए फैदोमीटर, ओके चलो आंसर आना शुरू हो गया। देखो हम सबका याद करेंगे, ठीक है, हम सबका याद करेंगे। सबसे पहले हाइग्रोमीटर से आप मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है, क्या मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक, या हम जिसे क्या कहते हैं, आर्द्रता, या हम जिसे क्या कहते हैं, आर्द्रता। उसके बाद में पायरोमीटर, पायरोमीटर बच्चों जो दूर, ठीक है, जैसे हम पृथ्वी से जो दूर स्थित पिंड है उनका जो दूरी पर, ठीक है, बहुत दूरी पर स्थित है, ठीक, जैसे जो जो है ग्रह है उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। देखो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जनरली तापमान मापने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो दूरी पर स्थित पिंड है उनका उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर आप सब जानते हैं, दाब यानी आप प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फैडोमीटर, बिल्कुल सही, इसी क्वेश्चन का तो आंसर है, गहराई, डेप्थ, ठीक है, गहराई मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप याद रखेंगे डेप्थ ऑफ ओशियन, ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, आप सब किसका, आप सब फैडोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद में अल्टीमीटर, अल्टीमीटर के लिए लिखो ऊंचाई, जब आपको किसी चीज की ऊंचाई मेजर करनी होगी, ठीक है, हाइट, जब आपको किसी चीज की ऊंचाई, हाइट मेजर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अल्टीमीटर, स्पाइग्नोमीटर, अरे दिल की धड़कन भाई, तो आपको क्या करना होगा, हार्ट बीट, हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन मेजर करने के लिए आप स्पाइग्नोमीटर का प्रयोग करेंगे। सारा लिख लीजिए, सारा लिख लीजिए, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक। अंजलि कह रहे मैम इतने ऑप्शन, इतने ऑप्शन आपके लिए हैं कि आपको सारा ही याद करवा दूंगा, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 100% बच्चों एक जो बार बार पूछे, देखो हाइग्रोमीटर यही सब आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तुम 50 याद करो, 100 याद करो, और उसके चक्कर में तुम एक भी ना याद करो, एटलीस्ट 6 तो याद कर लो, ये तो याद कर सकते हो, क्या पता आपके एग्जाम में इनमें से ही एक आ जाए, तो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब जानते हैं कि आपका फैडोमीटर, आपका डी ऑप्शन सही था। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि मरुस्थल में मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर किसके उदाहरण है, बताओ, मरीचिका हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ठीक है, या आपका डायमंड का, हीरे का चमकना हो गया, डायमंड का चमकना हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए किसके एग्जाम्पल है जो बार बार आपसे पूछे जाएंगे, जल्दी से। या आपसे एक और पूछा जा सकता है, ठीक है, रेनबो भी पूछा जा सकता है, ठीक, रेनबो भी पूछा जा सकता है क्योंकि रेनबो में भी ये आता है, बताओ जल्दी से, इंद्रधनुष में भी इसका प्रयोग हो जाता है, जल्दी से बताएंगे। हाँ बिल्कुल, पैरोमीटर, बिल्कुल टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल, टीआई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही बात है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। अपवर्तन से आपको क्या याद रखना है बच्चों, रिफ्रेक्शन से आपको याद रखना है कि जब आप पानी में, ठीक है, कोई पानी का ग्लास है, मैं पानी पी लेती हूँ,
कोई पानी का ग्लास है, ठीक है, इसमें अगर मैं चम्मच डालूं या मैं पेन डालती हूँ बच्चों, तो पेन मुझे थोड़ा सा कैसा दिखाई देगा, बेंड हुआ, मुड़ा हुआ दिखाई देगा, तो वो आपके रिफ्रैक्शन का कारण बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है कि डिलीशियस टेस्ट ऑफ हॉट सूप, बताओ कहा जा रहा है, आप जब गर्म सूप पीते हैं तो उसका कारण, अगर मैं गर्म सूप की बात करूं, ठीक है, तो देखो बच्चों होता क्या है, यहाँ पर गर्म सूप का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बना दूं तुम्हें, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बना दूं, ठीक, तो ये हो गई आपकी आंखें, ठीक है, ये आपकी नोज, ये आपका माउथ, यहां से आपकी क्या निकाल दूं मैं, जीभ निकाल दूं, जीभ दूसरे कलर से निकाल दूं, ये आपकी जीभ निकल गई, ठीक है। तो ये जब क्या करते हैं बच्चों, जब आप ठंडा ठंडा सूप पीते हैं तो आपको क्या होता है, टेस्टी नहीं लगता, लेकिन आपको अगर कोई गर्म सूप पिला दे, ठीक है, तो आपको बहुत टेस्टी लगता है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये बच्चों, अगर ठंडा है तो जो सूप है ना, इसका क्या है, इसका सरफेस टेंशन, ठीक है, इसका पृष्ठ तनाव, इसका जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, सरफेस टेंशन है यानी पृष्ठ तनाव है, जो इसका पृष्ठ तनाव है बच्चा, वो क्या है, वो बहुत अधिक है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अधिक है तो वो जीभ पर आपकी फैल नहीं पाएगा, ठीक है, जीभ पर आपकी फैल नहीं पाएगा, और क्या हो जाएगा, आपको जो सूप है वो टेस्टी नहीं लगेगा, लेकिन गर्म सूप आपको बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि बच्चों जो यहाँ पे सूप है क्या होगा, ये जल्दी से फैल जाएगा, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम है, इसलिए आपकी जो यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होती है उनको स्वाद मिलेगा, ठीक है, डन, याद रखेंगे। चलिए, मनीषा है क्या ये, नहीं लग तो अंजलि जैसी रही है। चलो, तो यहां पर आपने याद रखना, आ जाइए, तो फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल ठीक आंसर था। देखो ये मर्चिका की हम बात करें, जो मर्चिका लिखा हुआ बच्चों, ये मर्चिका कैसे दिखता है, देखो मर्चिका है क्या बेसिकली, देखिए ये जो आपका, अगर आप किसी जो है हाईवे रास्ते पे जा रहे हैं, किसी पे जा रहे हैं बच्चों, तो बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर आपको ऐसे लगता है कि आगे पानी है, एक्चुअली वो पानी नहीं होता, वो किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वहां पे एक चमक ऐसी होती है कि आपको लगता है कि वो पानी है, वो पानी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है आपका, क्रिटनिज्म इज रिलेटेड टू विच हॉर्मोन, आपसे कहा जा रहा है क्रिटनिज्म किस हॉर्मोन से संबंधित है। क्रिटनिज्म एक बीमारी है बच्चों, एक क्या है, एक डिसीज है। क्रिटनिज्म अगर हम बात करें तो एक डिसीज है, जो क्या होता है, जब बच्चा, कोई बच्चा है, अगर बच्चे का मानसिक, ठीक है, अगर बच्चे का मानसिक विकास रुक जाए, कहने का मतलब है अगर उसका मेंटल डेवलपमेंट रुक जाए, ठीक है, कोई बच्चा है अगर उसका मेंटल डेवलपमेंट रुक जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसे क्या हो गया है, क्रिटनिज्म हो गया है, ठीक है, एक डिसीज है जिसका नाम है क्रिटनिज्म। तो आपसे कहा जा रहा है कि किस हार्मोन से संबंधित है, किस हार्मोन से रिलेट करता है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे सभी, क्या आंसर आ सकता है, यस, चलिए जल्दी से फटाफट क्या आंसर आएगा, थायरोक्सिन, 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 देखिए बिल्कुल ठीक है, हाँ थायरोक्सिन आपने बताया है तो बिल्कुल ठीक बताया, सुनेंगे एक बार। देखो बच्चों, अगर हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें, ठीक है, तो ये आपका कहाँ से निकलता है, ये आपका पीयूष ग्रंथि से निकलेगा, ठीक है, ये आपका कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये आपको याद रखना है, जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये आपका पीयूष ग्रंथि से निकलेगा, ठीक है। इंसुलिन की बात करें तो आप सब जानते हैं इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है, क्या इतनी बात आप जानते हैं, पैनक्रियास से निकलता है, पैनक्रियास का जो क्या है, जो वहां की बीटा सेल है, ठीक है, वहां जो बीटा सेल है वहां से निकलता है। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन की बात करूं बच्चों, तो ये क्या है, ये फीमेल हॉर्मोन है, फीमेल की ओवेरी से निकलता है, ठीक है, कैसा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। तो अगर हम बात करें कि ये जो क्रेटनिज्म है ये कौन से हार्मोन से रिलेट करता है, तो आपको याद रखना है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण ही होता है, ठीक, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, यस, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आ जाएगा। चलिए, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा इंजन है जो कमजोर है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंजन इज वीक, बताओ, एक डीजल इंजन है, एक पेट्रोल इंजन है, एक स्टीम इंजन है, एक इलेक्ट्रिक इंजन है, ठीक है, एक आपका डीजल से चलेगा, एक पेट्रोल से, एक स्टीम से, भाप से, और एक इलेक्ट्रिक से, तो कहा जा रहा है इसमें से सबसे वीक कौन सा है, बताइए, चार ऑप्शन है, अपना दिमाग लगाओ, ठीक हो, बताओ सबसे वीक कौन सा है इसमें से, जल्दी से, हाँ
रौनक कुमार गिरी, देखो इन्होंने अपना नाम लिखा है रौनक कुमार गिरी, और मैं पढ़ने जा रही थी रौनक कुमार गर्ल, है ना, तो मैं सोचती थी ये गर्ल भी है रौनक कुमार भी है, वो तो मेरी आंखें काम कर गई, मैंने देख लिया अच्छा गिरी है। चलिए एक बच्चे का आंसर आया है पेट्रोल इंजन, और सभी बिल्कुल पेट्रोल पेट्रोल, नहीं सी ऑप्शन भी आ रहा है, यस सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, स्टीम इंजन ही यहाँ पे आपका सबसे वीक माना जाएगा, ठीक है सी ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट बताओ, एपिडर्मिक रोग संबंधित है, बताइए एपिडर्मिक डिसीज इज रिलेटेड किससे भाई, गले से, थ्रोट से, ईयर, आपके कान से, स्किन से, नोज से, बताओ जल्दी से कहां से रिलेट करेगा एपिडर्मिक, जल्दी से बताएंगे कहां से रिलेट करेगा, हां जी जल्दी से, सी ऑप्शन, हाँ स्टीम आपका बिल्कुल सही था दीपक, बिल्कुल ठीक था। चलो आगे बताओ, स्किन, बिल्कुल बच्चों, देखो डर्म शब्द ही, ये मैंने कितनी बार बताया है कि डर्म शब्द ही बच्चों स्किन से रिलेट करता है, बताइए जो स्किन के डॉक्टर हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है जो स्किन के डॉक्टर हैं, जो स्किन त्वचा के डॉक्टर हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, उनका नाम बताओ जल्दी से, गर्ल्स तो जल्दी बता देंगी, वो ज्यादा जाती होंगी है ना, तो जल्दी से बता देंगी सारी की सारी गर्ल्स कि भाई स्किन के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए, यस बहुत अच्छा, अंशु ने बताया है, अंशु भी एक गर्ल ही है, अंशु है या क्या है, आगे निकल गया है, अंशु है, कुछ दिख नहीं रहा मुझे। चलो आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा रे के निकलने से द्रव्यमान संख्या कितनी इकाई से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिस बच्चे का जो रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर है वो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कॉमन चैप्टर है, जिसका ये तगड़ा कॉन्सेप्ट होगा वो इस क्वेश्चन से वो ये क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है बाई हाउ मेनी यूनिट्स डज द मास नंबर डिक्रीज बाय द रिलीज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, आपसे कहा जा रहा है अगर कोई कोई भी एलिमेंट है उसमें से हमने एक अल्फा अल्फा पार्टिकल निकाल दिया है बच्चों, तो आप मुझे बताओ कि उसका जो एटॉमिक मास है उसमें कितने की कमी आएगी, किस नंबर से, विक्रम ने कहा 4, चलो ठीक है। देखो बच्चों सबसे पहली बात अल्फा को हम रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम, ठीक है हीलियम, अब हीलियम को अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 2He4, यानी अगर हम कहीं किसी भी एलिमेंट से अल्फा निकाल रहे हैं इसका मतलब हम हीलियम निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अल्फा को क्या लिखते हैं हीलियम लिखते हैं। अब किसी से भी बच्चों अगर हमें कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी है, मान लो इस तरीके से कोई अपना एलिमेंट है, ठीक है, उसमें से अगर हमें माइनस करना तो हम लिखेंगे कि HE2 4, तो ये होता है आपका मास नंबर, ठीक है, तो मास नंबर से हम कितना माइनस करेंगे, A माइनस हमें 4 करना पड़ेगा और Z माइनस हमें 2 करना पड़ेगा। तो देखो अगर आपसे पूछा क्या है यहाँ पे मास नंबर, तो बच्चों मास नंबर तो डिक्रीज होगा 4 से, ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में उसने पूछा होगा एटॉमिक नंबर, तो जेड को हम एटॉमिक नंबर से रिलीज कर डिनोट करते हैं, तो आपने याद रखना है कि तब क्या हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पे आपका 2 आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका 4 बिल्कुल ठीक आंसर है ना। अच्छा कहा जा रहा है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, चलो भाई जल्दी से बताओ, अगर पुरुषों की जो नसबंदी की जाती है उसे क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी या म्यूटेशन या ऑटोसोम्स, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, अभी ये 2 से 3 दिन पहले करवाया था है ना, चलिए बताइए फटाफट आंसर कीजिए, बहुत अच्छा राजा राम जी पढ़ लीजिए, ठीक है पढ़ लीजिए आप, क्यों आप चाहते हैं कि आप इस आईडी से ब्लॉक हो जाएं और फिर आपको आना हो तो आप दूसरी आईडी आपको बनाना पड़े, ऐसा कुछ है दिल में तो बता दो। चलिए तो यहां पर अगर हम बात करें कि क्या सही है, चलो लोकेश ने तो रट लिया है, निकम्मो लाइक एंड शेयर कर दो। देखो अगर हम बात करें बच्चों तो वैसेक्टॉमी क्या होता है, पुरुष नसबंदी, देखो इसमें होता क्या है आप सब जानते हैं, इसमें जो क्या होता है वास डिफरेंस होता है, ठीक है, जो ये वाली ट्यूब होती है बच्चों इसे क्या करते हैं, यहाँ पे स्पर्म बनता है और इसे क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं ताकि स्पर्म आगे नहीं जा पाए, और इसी को नसबंदी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वैसेक्टॉमी, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं महिलाओं में जो उनका फ्लैपियन ट्यूब है उसे काट देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर महिलाओं की बात होती कि महिलाओं को क्या महिलाओं में क्या करते हैं तो आपने याद रखना हो जाता ट्यूबेक्टॉमी, लेकिन हाँ पुरुषों की है तो वैसेक्टॉमी आपका सही आंसर आएगा। चलिए जी
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि कोई व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है, 60 kg है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आपसे कहा जा रहा है अगर कोई जो व्यक्ति है वो पृथ्वी पर कितने केजी के हैं, 60 kg के हैं, ठीक है, तो चांद पर जाके, ठीक है, चांद पर जाके कितना होगा, मून पर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, मून पर कितना हो जाएगा, अगर कोई पृथ्वी पर 60 kg का है तो मून पर कितना हो जाएगा, जल्दी से। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। कुछ बच्चों ने बताया है 10 और कुछ बच्चों ने बताया है 60 kg। कुछ का मानना है कि 10 kg के हो जाएंगे, अच्छा, और कुछ का मानना है 60 kg के हो जाएंगे। जितने बच्चों ने कहा है 10 kg के हो जाएंगे, फटाफट थप्पड़ लगाओ, ठीक है, यहाँ 60 kg आपका सही आएगा। बच्चों यहाँ मास पूछा गया है, अगर तुम्हारा मास पृथ्वी पे मैंने मेजर किया आया 60 kg, तो क्या तुम वहां पे जाके तुम्हारा जो मास है वो घट जाएगा, बताओ। यहाँ पे तुमने खाना खाया हुआ है, वहां पे तुम्हें खाने की कमी हो जाएगी, नहीं बच्चों, अगर आप 60 के हैं तो मास तो हर जगह 60 का होगा। जो ये बता रहे हैं ना 10 kg, वो वेट होता बच्चों, अगर इसका मास क्या है, यहाँ 60 kg है, तो इसका वेट होता है m × g, ठीक है, m कितना है 60 और g हम मान के चलते हैं 10 m/s², ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे 60 × 10, तो इसका वेट कितना हो जाता पृथ्वी पर, 600, ठीक है। अब वेट की बात करती, 600 न्यूटन, ठीक है, वेट को हमेशा न्यूटन में मेजर करते हैं इन फिजिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते बच्चों, तो यहाँ मून पर जाके क्या हो जाता, 1/6 करते, तो यहाँ 600 अपॉन अपॉन में 6 करते, तो 100 100 न्यूटन यहाँ पे आ जाता, ठीक है। वेट चेंज होता है, याद रखना, जो ये वेट है ये प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है, क्योंकि वहां पर जी है, ठीक है, लेकिन मास बच्चों जितना पृथ्वी पर है इतना मून पे रहेगा, इतना मंगल पे रहेगा, कहीं भी चले जाओगे मास नहीं चेंज होता है, चेंज होता है तो वो बस होता है वेट, वो बस भार, ठीक है, डन। चलिए, कह रहे दीपक खाना छोड़ देंगे मैं लग रहा है, चलो, तो यहाँ 60 kg वाले बच्चों ने सही दिमाग लगाया है, ठीक है, तुम ऐसे ही गलत करके आओगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन नाक कटवाओगे। चलो भाई, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताओ, व्हेन इज इंटरनेशनल डे डांस डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, बताइए कि आपका जो इंटरनेशनल डांस डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो आपको, आप सबको आना चाहिए, है ना, बताओ कितने बच्चे हैं जिनको डांस अच्छा लगता है करना या करते हैं, तो वो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, जल्दी से दे दो, जल्दी से दे दो भाई। हाँ जी, क्या आंसर आए, बिल्कुल, राधे राधे मिस, राधे राधे भाई, राधे राधे, हाँ बिल्कुल, जल्दी बता दो, चलिए, अगर मैं कहती फूल डे कब मनाते हैं तो तुम फटाफट बताते, 1 अप्रैल, हाँ तब तो कोई दिक्कत नहीं आता, यस, तो यहां पर आपका सही आंसर है 29, ठीक है, 29 अप्रैल को आप मनाते हैं, ये आपको याद रखना है, जिसे नहीं पता, ठीक है, जहां तक मुझे याद है कि ये आपका 1882 में शायद फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था, देख लेना, खैर के फर्स्ट टाइम कब किया गया था। चलो, आपने कहा जरा फूलों के अंडाशय में कुछ छोटे मन के जैसे संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, कि जो अंडाशय है, देखो अंडाशय कैसे होता है फूलों का, इस तरीके से, ठीक है, इस वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है, या वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र, कार्ग कुछ ऐसे ही कहते हैं, ठीक, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस वाले पार्ट को हम ओवेरी यानी अंडाशय कहते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है कुछ ऐसी ऐसी संरचना पाई जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा गया है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स, यस, इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं, या बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ओव्यूल्स कहते हैं या बीजांड कहते हैं, अगर हम बात करें तो ये रहा, ये देखो ये रही ओवेरी, ठीक है, यहीं पर आके फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये ओव्यूल्स होता है, इसे हिंदी में बीजांड कहते हैं, बीजांड, ठीक है जी, इसे इसे क्या कहते हैं, अंडाशय। अब मेरा एक क्वेश्चन बता दो जल्दी से, मेरा क्वेश्चन है कि जो ओव्यूल्स है, ये जो एक ओव्यूल्स है, ठीक है, जो आपका सिंगल ओव्यूल है, ठीक है, जो आपका सिंगल
ओव्यूल है बच्चों, इसमें कितनी सेल पाई जाएगी, एक नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, जो आ सकता है, जो आ सकता है कि आपसे क्या पूछेगा भाई, वो ही पूछेगा ही नहीं कि ओवेरी के अंदर क्या पाया जाता है, उसे पता है इतनी बात तुम रट चुके हो कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। वो कहेगा कि आपका जो सिंगल ओव्यूल है, एक बीजांड है, एक ओव्यूल है, उसके अंदर कितनी सेल होती है, कितनी कोशिका होती है, जल्दी से बताओ कितनी कोशिका होती है, जल्दी से बताएंगे एक ओव्यूल के अंदर कितनी कोशिका होती है। कोई आंसर कर सकता है क्या इस क्वेश्चन का? हाँ जी, कोई यहां पर है चतुर प्राणी जो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा? जल्दी से बताओ एक ओव्यूल के अंदर, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। नहीं बता पा रहे ना, नहीं बता पा रहे, चलिए आठ, ठीक है, आपने याद रखना है कितनी होती है, आठ, ठीक है, आठ लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक। मुझे लगता है कुछ बच्चों ने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सुना होगा, आठ। पवन ने कहा ये कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, नीति ने कहा तीन, नहीं बच्चे याद रखना आठ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होती है, बताओ। आपसे कहा जा रहा है सेल बॉडी, नर्व एंडिंग, या आपका डेंड्राइट या एक्सॉन, ये पूरा आपका न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन की अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका न्यूरॉन होता है, ठीक बच्चों। तो न्यूरॉन के किस पार्ट से आपसे पूछा जा रहा है कि जो है आप देखो यहां से कोई बॉडी का कोई भी सिग्नल गया कहां तक, ब्रेन में, किसके पास गया, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो आपस में मैं कहूंगी कि आपस में जो न्यूज, ठीक है, या जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, तो वो कौन से पार्ट से करते हैं, ये पूछा जा रहा है। हाँ अशु कह रहे हैं नीति भी गलत हो गई आज, मतलब वो भगवान है क्या, है वो गलत नहीं हो सकती, ठीक है। चल डेंड्राइट, यार बच्चों देखो अगर मैं बात करूं डेंड्राइट, यहाँ पे सही आंसर है मैम डेंड्राइट क्या, देखो ये पूरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन। अगर कोई बच्चा न्यूरॉन नहीं जानता है तो फटाफट वो क्या करेगा, जो आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया गया है, यूट्यूब पे भी शायद पढ़ाया गया है, वो चैप्टर फटाफट देखेगा, उसके बाद यहाँ आएगा। ये देखो ये न्यूरॉन होता है बच्चों, इस वाले पार्ट को, जो ये इसकी ऐसे ब्रांचेस निकली है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। अब जो दूसरा न्यूरॉन होगा ना, उसका ये वाला पार्ट यहाँ से जुड़ा होगा, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन आपका बन जाएगा। तो बच्चों ये जो पार्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। इसने इसके पास जो इन्फॉर्मेशन गई, ये इसे क्या करेगा, इसे दे देगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जकार्ता में आयोजित एशियाई खेल में किस देश को प्रथम स्थान मिला है, चलिए बताओ भाई जल्दी से। हाँ जी, किस कंट्री को आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट प्लेस मिला है किस में, आपके जाकर्ता के आयोजित एशियाई खेलों में, जल्दी से, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, या आपके चाइना को। हाँ जी जल्दी से बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो आप सबको आने चाहिए, है ना, बिल्कुल। जो अगर मैं बात करूं तो कैसे क्वेश्चन है ये आपके जीके के क्वेश्चन है, जल्दी से। और देखो जो खेल में जो भी गोल्ड मेडल या जो भी मिल रहे हैं, सब बच्चे नोट्स बना ले हाथ के हाथ, क्योंकि अभी बिल्कुल न्यू है, सब याद भी हो जाएगा, ठीक है, बाद में याद नहीं होगा इतना। चलिए ठीक, ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, चाइना, यस यस सत्यम यू आर राइट, चाइना आपका सही आंसर बच्चों, चाइना, ठीक है, चाइना तेज है भाई बहुत, ठीक, हर मामले में जो है इनका यही चल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो पूछा जा रहा है कि 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो होगा उसकी मेजबानी कौन करने वाला, कौन होस्ट करेगा, इंडिया, जापान, चाइना, या आपका साउथ कोरिया। हाँ जी, जो आपका 2023 में जो आपका फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है उसे होस्ट कौन कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश कर रहा है। हाँ जी, इसका भी आंसर क्या आपको पता है, क्या इसका भी आंसर पता है बच्चों, इसका भी आंसर यही ले जा रहा है, चाइना ही करने वाला, ठीक है। इसमें भी आपके जो है अगर देखा जाए बच्चों तो आपको पैसे ही देने पड़ते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपका चाइना ऑप्शन सही है। चलो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है, ठीक है। देखो यूरेनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 92, ठीक है, तो इसके बहुत सारे माइन है इंडिया में, ठीक, तो कहाँ का बच्चों जो माइन है वो सबसे, वो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट में वो काउंट होता है, उनमें से एक है, ठीक है, जो यूरेनियम खदान है उनमें से एक है, आपका कौन सा, तुमाल पल्ले वाला, या आपका नर, क्या है, नर
बपहार वाला है आपका, जादूगड़ा वाला है आपका, भटिन खान वाला, बताएंगे एक बार, ठीक है जल्दी से। कौन सी माइन है, जल्दी से कौन सी माइन है, फटाफट जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा फटाफट जल्दी जल्दी। यस यस, चलिए ठीक। ओके ठीक है, सी ऑप्शन सी, चलिए ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए। देखो वो जो जादू गड़ा वाला आपने रटा है ना बच्चों, ये थोरियम वाला है ना। चलिए यहां पे आपका सही आंसर क्या है, ए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके क्या है, जो आपकी फूड चैन है, इस पे तीसरे नंबर पे कौन आता है। देखो ऐसे चैन चलती, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, ठीक है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर आपका फोर्थ, फिर आपका फिफ्थ, सब फिर फाइव तक ही जाती है, ठीक है, इससे आगे नहीं जाती है। तो इस चैन में आपसे कहा जा रहा है तीसरे नंबर पे कौन आएगा। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पे आपका आता है प्रोड्यूसर, सेकेंड पे आपका आता है प्राइमरी, और थर्ड पे आपका आता है सेकेंडरी, और फोर्थ पे आपका आता है टॉप कंज्यूमर। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया थर्ड नंबर पे तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे आपका देखो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है ना, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। सी बता रहे हैं ना, यस, सेकेंडरी कंज्यूमर आपका यहाँ पर सही जाएगा। हाँ सत्यम, पवन, सी ऑप्शन, यस विक्रम, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आपका ठीक जाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है जी। आ जाइए आगे, चलिए आगे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है बताओ, चॉक, जिप्सम, मार्बल, डायमंड, इसमें से कार्बन का एलोट्रॉप क्या है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें मैम, एलोट्रॉप क्या होता है बच्चों, एलोट्रॉप का मतलब है अपर रूप, अपर रूप का मतलब होता है, एलोट्रॉप का अपर रूप का मतलब होता है बच्चों कि जो है कार्बन, कार्बन से जितने जितने भी तत्व बनेंगे सब सब जो क्या है वो एक जैसे होंगे, ठीक है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन का एलोट्रॉप क्या है, चौक, जिप्सम, मार्बल। चौक की बात करें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम की बात करें कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, अगर मार्बल की बात करें तो ये भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और डायमंड की बात करें तो इसमें आपका कार्बन पाया जाता है बच्चों, और डायमंड ही क्या है आपका, आपको याद रखना है कि आपके डायमंड आपके कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। और क्या याद रखेंगे बच्चों, ये सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टांस, ठीक है, नेचुरल हार्ड, सबसे ज्यादा हार्ड क्या है, ठीक, हार्डेस्ट, जो सबसे ज्यादा हार्ड वो क्या है, वो आपका हीरा ही है, डायमंड ही है, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड आपका डायमंड ही है, यस। चलिए जी नेक्स्ट आपसे पूछी जा रही है, हमारे जीभ पर कौन सी रिसेप्टर्स होती हैं, बताओ भाई कौन सी रिसेप्टर्स होती हैं आपकी जीभ पर, कि जिससे आप बच्चों क्या करते हैं, जिससे आप स्वाद ले पाते हैं, बताइए उस रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं जिससे आपको स्वाद मिलता है, उस रिसेप्टर्स को आप क्या कहते हैं जिससे आपको स्वाद मिलता है, जल्दी से, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर से आपका क्या है, गस्टेट्री, आपका ऑल्फैक्ट्री, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आ सकता है जल्दी से बताइए। हाँ देखो ऑल्फैक्ट्री तो आपके कहाँ से आती है बच्चों, ऑल्फैक्ट्री तो आपके नोज से, ठीक है, नाकों से, नाक से रिलेट करती है। यहाँ पे आपका देखो यहाँ स्वाद लिखा ही है, ठीक है, हिंदी वाले तो ऐसे ही समझ गए होंगे। चल अब बताओ, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7, ठीक है, मतलब उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने प्रोटॉन है, तो उसका आपसे क्या पूछा गया, उसका नाम पूछा गया, जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखना कि आपको 30 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर रटे होने चाहिए, याद नहीं रटे होने चाहिए, देखो आंसर आ जाए, ठीक है, देखो आंसर आ जाए, जल्दी से बताओ। हाँ बहुत अच्छा जय कुमार, बहुत अच्छा, चलिए बहुत सही किया है आपने, ठीक खेल गए हैं आप।
चलिए ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर देखो उसमें 2, 8 यानी 10 और 17 यानी इसका एटॉमिक नंबर 17। आप 17 नंबर पे कौन है, कौन नहीं जानता है, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है चले चलिए जी, बताओ आपसे पूछा जा रहा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा IAEA की स्थापना कहाँ हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी बच्चों अगर बात करें किस लिए एस्टेब्लिश की गई है, तो जो आपकी क्या है न्यूक्लियर एनर्जी है, ये कहीं पर जो है इसका कोई कैसा यूज कर रहे हैं, ठीक यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया, और कब किया गया था ये आपसे पूछा गया है, 1966, 1967, 1955 या आपका 1957, ये आपसे पूछा गया, फटाफट बताइए। चलिए अभिषेक जी सी बताए हैं, और विक्रम जी 57, 1957, चलिए सत्यम जी भी 19। देखो आपका जो आपका क्या है एनटीपीसी है ना बच्चों, रेलवे है, वो इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे आपके डेट से क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा वो। चलिए तो सारे बच्चे अगर देखा जाए तो किसके साथ जाना पसंद कर रहे हैं, 1957 के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, और बच्चों के साथ भी जाना पड़ेगा। ठीक है चल, अब बताओ आपसे पूछा जा रहा है कि रॉकेट अंगारा किस देश ने विकसित किया है। ठीक है बताओ भाई, किस देश ने अपना जो है डेवलप किया है रॉकेट अंगारा, किसने अंगारा को डेवलप किया है आपके, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान तो कर नहीं सकता इसको, तो ऐसे ही काट दो, ठीक है ये क्या ही करेगा, और यूएसए, जल्दी से बताओ फटाफट बताओ किस देश ने ये जो है क्या किया है अंगारा को डेवलप किया है, जल्दी से अंगारा को डेवलप किसने किया है जल्दी बता देंगे। चलिए जल्दी जल्दी, ए ऑप्शन, हाँ रशिया का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियर शामिल है, निम्न निम्न में से किस में जेनेटिक इंजीनियर इंजीनियरिंग जो है क्या है शामिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं बच्चों, किसी भी अगर हम बात करें एनिमल, ठीक है कोई भी एनिमल है उसका, अगर मान लो आपको ऐसा कहा जाता, ध्यान से सुनना, एक लैब चिकन नाम से अगर आपने सुना हो, तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, देखो आप कहते हैं ना जानवर को नहीं मारना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो किया क्या गया है बच्चों, अगर ऐसा देखा जाए तो अगर आपको पूरा चिकन बनाना है, ठीक है, तो वो चिकन किसी भी एनिमल का थोड़ा सा टिश्यू लेंगे, ठीक है किसी भी एनिमल का थोड़ा सा टिश्यू लेंगे, थोड़ा सा ऊतक लेंगे। अब देखो कोई भी एनिमल बनता, हम भी बने थे तो हमारा सबसे पहले टिश्यू बना था, किसी भी एनिमल के का क्या करेंगे टिश्यू लेंगे, कहीं से भी उसका थोड़ा सा क्या कर लेंगे टिश्यू निकाल लेंगे, और उसी में सारे न्यूट्रिशन ऐड करके क्या करेंगे बच्चों पूरा का पूरा चिकन बना देंगे। ठीक है पूरा का पूरा आपका चिकन बना देंगे, और फिर जिसे नॉनवेज खाना है वो खाएगा, ठीक है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होगा। ठीक है तो अगर हम बात करें किससे रिलेट करता है, तो क्या बताया है आपने, जीन रेवोल्यूशन। ठीक है तो यहाँ पर आपका जीन रेवोल्यूशन आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है मुझे लगता है 2 ऑप्शन आपके सही हो गए हैं, ठीक ओके डन। ठीक है चलिए, जीन रेवोल्यूशन आपका यहाँ पर सही आएगा, यस डी ऑप्शन आपका जीन रेवोल्यूशन, यहाँ ग्रीन नहीं आएगा, ठीक है जीन रेवोल्यूशन आपका सही आएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में छुपे हुए प्रजनन को कहते हैं, बताओ कौन से पौधे, या पौधे में जो एक क्या होता है आपका हाइट रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है, ठीक है किस पौधे में होता है वो बताइए। ठीक है कौन से पौधे में होता है, जैसे आपके टेरिडोफाइट हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, है ना, तो उनमें क्या होता है हाइट रिप्रोडक्शन होता है, किस में होता है बच्चों, पत्ते, पत्ते के पीछे बताइए, कौन से पौधे में आपका कौन सा पूछा गया है यहाँ पर, आपका हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बताइए। जय कुमार का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है देखो ये सब अगर आपको पढ़ना है ना बच्चों, तो मैं फिर से बता दूं आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी क्लास, आपको बैच वाली, ऐप वाली, ठीक है कहीं से भी पढ़े, मैं नहीं करूँ कि मेरी ही क्लास आप लीजिए, ठीक है आप कहीं से भी जहां से भी आपको जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही वहां से आप उनकी उनका बैच लीजिए, उनसे पढ़िए, पर एक बार आपको थ्योरी जो है क्लियर ही करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे। डी ऑप्शन आपका ठीक है, मार्सेलिया यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा, आ जाएगा। अजंता की गुफाएं स्थित है, ये तो बता दोगे, ये तो बता दोगे, अजंता की गुफाएं भाई कहाँ स्थित है ये तो बता ही दोगे, अजंता की गुफा कहाँ पे स्थित है ये भी नहीं बताओगे क्या,
अरे ये भी नहीं बताओगे? हाँ, कहाँ स्थित अजंता की गुफाएं बताइए, सभी बता देंगे। ठीक है, मैं इतनी उम्मीद आपसे लगाऊंगी कि आप सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अजंता की गुफाएं बच्चों अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ बताया है जल्दी से? संजना सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ पे? आपका औरंगाबाद है ना। चल, भारत में कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर फिर से सभी बच्चे करेंगे। यस यस, जल्दी से करो। हाँ, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें कि कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन नाम से जाना जाता है, क्या बताया है? नीलगिरी। बच्चों जो नीलगिरी हिल्स है, ठीक है, इन्हें ही माना जाता है, आपको याद रखना है। और बच्चों देखो यहाँ पर एक फ्लावर, ठीक है, सितंबर आने वाले महीने में, ठीक है, सितंबर में ही यहाँ पर एक ब्लू कलर का एक फ्लावर यहाँ पर हर 12 साल बाद, ठीक है, 12 साल बाद ही ये खिलता। बच्चों इस फूल का नाम आपने बताना है। ठीक है, ये कौन सा फ्लावर है जो आपके नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है, नीलगिरी हिल्स पर आपको देखने को मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद देंगे कि कौन सा फूल है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको कहाँ जाना हो बच्चों, अगर आपको घूमने जाना है, ठीक है, ब्लू माउंटेन पे, अभी तो कैसे जाओगे, अभी तो रोजगार बन जाओ, है ना, तो आपको याद रखना है कि क्या करना पड़ेगा, आप सितंबर के महीने में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पूरा ब्लू ब्लू ही हो जाएगा फिर। चलिए, अब अगर हम बात करें बच्चों, बताओ इनमें से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णक है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ऑप्शन आप जो है कमेंट बॉक्स में ही कर सकते हैं। ठीक है, अरे स्टैटिक जीके भाई नहीं पढ़ाती हूँ, बस एक दो क्वेश्चन बहुत जो ऐसा मुझे लगा था। देखो मैं ऐसा है बच्चों, मैं पढ़ाती साइंस हूँ पर मैं क्वेश्चन सारे ही देखती हूँ। ठीक है, मैं सारे ही क्वेश्चन, जब मैं प्रैक्टिस सेट उठाती हूँ जीएस वाला पार्ट, तो मैं सारे क्वेश्चन देख लेती हूँ। तो देखो जीएस के जो ऐसे क्वेश्चन है ना, जो मतलब कई बार मुझे दिख जाते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो बार बार, बेशक मेरे सब्जेक्ट का नहीं लेकिन बार बार रिपीट हुआ, तो एक दो मैं यहाँ पे ऐसे कसम नहीं खा रखी कि एक दो क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन आ जाता तो मैं सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, चलिए, तो बच्चों क्लास की बात करें तो क्लास इतनी ही है। ठीक है, और कुछ अगर हम बात करें आपसे, ठीक, तो और क्या बात करूंगी मैं तुमसे? हाँ, ये देखो इस बैच के बारे में बताना था मुझे। देखिए बच्चों, ये आप सब जानते हैं कि आपके दिल्ली पुलिस के लिए बैच आया हुआ है। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए बैच है। और कॉन्स्टेबल ड्राइवर का कितनों ने फॉर्म भरा भाई, अगर हम बात करें तो 857 वैकेंसीज थी ना, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। तो बच्चों अगर हम बात करें तो साइंस कितने नंबर की आ रही मैम? 25 नंबर की। 25 नंबर की साइंस है इसमें। ठीक है, आंखें खोल के देख लो कितने की दिल्ली पुलिस का है आपका, कितने की है? 25 नंबर की साइंस है, यह बैच आपका आ गया है। आज इसकी थर्ड डेमो क्लास थी। ठीक है, आज इसकी थर्ड डेमो क्लास थी, या आपकी यूट्यूब पे क्लास अब नहीं होगी, अभी बैच में ही होगी। 499 इसकी फी है। तो जिस बच्चे को फी, ये आपका क्या लेना है, ये बैच परचेज करना है, केडी लाइव की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। पहले हम वहाँ क्या करेंगे, पहले वहां पे, और देखो रोड सेफ्टी भी उसमें कवर करवाया जाएगा। जो कांस्टेबल ड्राइवर है, ड्राइवर को पूरा रोड के बारे में हर एक सेंस होना चाहिए, तो वो भी हम आपको करवाएंगे। बच्चों देखो वहाँ हमारे पढ़ने का तरीका होगा, पहले हम चैप्टर करेंगे, फर्स्ट उठाएंगे, उसके बाद में उसका प्रैक्टिस सेट होगा, फिर जब हम 2 से 3 चैप्टर कर लेंगे फिर उनको मिक्स करके हम करेंगे लाइव क्विज फॉर एवरी टॉपिक। हर वीक में आपका लाइव क्विज होगा, वहां पे सब बच्चे, वहां पे देखो आपके हजार हजार बच्चे होते हैं, उनके बीच में आपको क्या मिलता है, उनके बीच में आपको मौका मिलता है कि भाई हम कहाँ, वहां पे आपको रैंक दी जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी रैंक आपको आएगी वो आपकी रैंक वहां पे दी जाती है। ठीक है, तो जिस बच्चे को आना है वो आ सकता है, जिसे नहीं आना कोई बात नहीं। ठीक है, आप जो है जैसे भी आप पढ़ सकते हैं, और जिस बच्चे ने एक बार बैच लिया हो, पढ़ा हो, ठीक है, तो वो क्यों लेगा दोबारा, है ना। जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बेसिक से शुरू करना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो वो आ सकता है, उसका वेलकम है। चलिए चलो, ठीक है, तो भाई सब बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, चलो, तो
सब बच्चे जो आएंगे, चलिए ठीक है भाई, मैं शंकर बाय बाय, सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, अब हम मिलेंगे कल, आपका 5 बजे ही आपकी क्लास है, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।